नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, जहां पर जानेंगे पूर्व राज्यपाल ने यहां पर जबरदस्त बगावत कर दी है, पीएम मोदी को सीधे तौर पर घेरा है, मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जाएंगे ताजा अपडेट। और वहीं सीजीआई ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, नहीं तो तगड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी बड़ी खबर आ चुकी है। और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो में बात होगी, राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को बेनकाब कर दिया है, भाजपाई नेता बौखलाए, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। बड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, अपडेट आ रही है दोस्तों यहां पर सामने निकल के, मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके बोले पीएम मोदी के अब तक मणिपुर ना आने से लोग यहां पर काफी दुखी हैं। जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को पूर्व राज्यपाल ने घेरा है दोस्तों। आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि पीएम मोदी ने मणिपुर में हिंसा होने के बाद एक बार भी दौरा वहां का नहीं किया है, जबकि पीएम मोदी तमाम राज्यों में जाते हैं, यहां तक विदेशी यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास में मणिपुर जाने का समय अब तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर के मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने जबरदस्त तरीके से उनको घेरा है और कहा है कि लोग इस बात से काफी दुखी हैं कि पीएम मोदी अब तक मणिपुर नहीं पहुंच पाए हैं, यह खबर आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है हरियाणा भाजपा से सामने निकल के, जहां पर हरियाणा में सुनामी आ सकती है भाजपा में इस्तीफों की। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बहुत ही बड़ा झटका, मंत्री ने कर दिया पार्टी छोड़ने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है, दिन पर दिन यहां पर सैकड़ों नेता इस्तीफा दे रहे हैं। खबरों की माने तो सोहाना के विधायक और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह का टिकट कटने से नाराज लोगों ने राघव वाटिका में महापंचायत की है, इसमें करीब 36 बिरादरी के लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। दोस्तों यहां पर इस बैठक में तय किया गया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जो भाजपा में मंत्री हैं बीजेपी से इस्तीफा देकर के, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो बीजेपी में टिकट वितरण के बाद में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। विधायक हो, पूर्व विधायक हो, मंत्री हो, सभी इस्तीफा एक एक करके दोस्तों दे रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों को जानकारी के अनुसार बताते चलें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर अटक सकता है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह बोले अब हमारे पास समय कम बचा है, नामांकन की तारीख 12 सितंबर है, हमारे पास भी समय नहीं है, सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है, आलाकमान के फैसले का इंतजार है, जल्द ही जारी होगी कैंडिडेट की लिस्ट। हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं सुशील गुप्ता, उनका कहना है कि आसाम तक यहां पर 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी यहां पर 10 सीटों की मांग कर रही है गठबंधन के तहत में, लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, इसलिए यहां पर अब गठबंधन मुश्किल ही नजर आ रहा है। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चले, राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा को जबरदस्त तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है, पूरी भाजपा बौखला गई। यूएस में भी राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा के मुखौटे को यहां पर बेनकाब कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से लोगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। टेक्सास के डलास में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा है कि चुनाव के बाद संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने अभय मुद्रा का उल्लेख किया, जो सभी भारतीय धर्मों में मौजूद निर्भयता का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी इसे या समझ नहीं सकती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा का जो डर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमने देखा कि चुनावी नतीजे
जो कि तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के भीतर भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डर रहा था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया है। आरएसएस को भी बेनकाब कर दिया है राहुल गांधी ने अमेरिका में। आरएसएस पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया और कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने पूरा कब्जा कर रखा है। आरएसएस के माध्यम से नियुक्त हो रहे हैं कुलपति, एक विचारधारा का कब्जा बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत के सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है आरएसएस की विचारधारा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त निशाना आरएसएस और भाजपा पर राहुल गांधी ने साधा है। आप लोग दोस्तों राहुल गांधी की इन तमाम बातों से मत है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। और अगर राहुल गांधी की तमाम बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है सख्त चेतावनी, कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो कर सकते हैं कड़ी कार्रवाई। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। दोस्तों बताते चले कि कोलकाता में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई देखने को मिली है। इस दौरान सीबीआई ने मामले की जांच को लेकर के स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। बंगाल सरकार ने भी कोर्ट को स्थिति रिपोर्ट सौंपी है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तब 23 लोगों की मौत हो गई। सुनवाई के बाद कोर्ट सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को 1 हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। और वहीं यहां पर आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर डॉक्टरों को यहां पर आदेश जारी कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर डॉक्टर काम पर लौट आए, वरना यहां पर तगड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से यहां पर मासूम मरीजों की लगातार मौत हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दोस्तों जारी की है। ये यहां पर बड़ी खबर आई। दोस्तों बताते चलें कि सुनवाई के दौरान यहां पर पीठ की अध्यक्षता सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की है। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ही यहां पर पूरे मामले पर सुनवाई देखने को मिली है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए हैं इस एक वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये खबरें पसंद आई हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग एक प्यार वाला लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में और चैनल पर। अगर आप लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।